झालावाड़ नगर परिषद में सभापति कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा आपसी मिलीभगत से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। भवानी क्लब पार्क में मेन गेट के पास पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रो इंटरलॉकिंग कार्य जो कि 3 माह पूर्व ही करवाया जा चुका है, परंतु नगर परिषद द्वारा उक्त कार्य की निविदा जुलाई और अगस्त माह में निविदा जारी की गई, जो कि साफ तौर पर भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसकी ऑनलाइन निविदा कैसे निकाली जा सकती है। अभी तक निविदा का टाइम एक्सटेंशन हो चुका है, उक्त कार्य की निविदा अभी तक पेंडिंग है। ब्रज नगर कॉलोनी नॉन कन्वर्ट कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा 1 करोड़ की लागत के सीसी रोड का निर्माण करवाया गया, जबकि नगर परिषद झालावाड़ में कई कॉलोनी कन्वर्ट होने पर भी उपेक्षा का शिकार हो रही है। साथ ही उक्त निर्माण कार्य में रोड की मोटाई को कम करने एवं रोड के नीचे डाली गई WMM को बिल में ज्यादा दिखवाकर ठेकेदार की मिलीभगत के ऊपर के रोड में नीचे डाला गया। माल नहीं दिखता इसलिए नीचे माल ही नहीं डाला गया, जिससे सही से जांच हो तो बहुत भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। नया तालाब रोड पर साइड में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा इंटरलॉकिंग के नीचे बेस तैयार को बिना इंटरलॉकिंग के लगा दिया गया है और नगर परिषद को पिछले 5 वर्षों में शहर में किन अवैध निर्माण को नोटिस देकर उचित कार्रवाई की गई है यह उजागर करनी चाहिए। नगर परिषद झालावाड़ द्वारा भी वार्षिक मेंटेनेंस ठेकेदारों द्वारा किए गए मनमर्जी के कार्य करवाए जाते हैं एवं जालों के निर्माण व लगाने में भी कई अनियमितता पाई जाती है। शहरों में स्वच्छता संरक्षण के कार्यों में भी नगर परिषद द्वारा सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। झालावाड़ नगर परिषद के पिछले 5 वर्षों से निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के माध्यम से जांच होनी चाहिए, जिससे जो असली स्थिति है वो सामने आ सके।